भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पुलिस का उनको संरक्षण प्राप्त है, वो जबरदस्ती गुंडागर्दी और दबंगई कर रहे हैं, वहाँ से वीडियो कॉल बहुत तरीके से मतदाताओं को भी धमका रहे हैं और अपने गुंडों को भी निर्देश दे रहे हैं तुम ऐसा करो वैसा करो। बच्चों भागने न पाए अभय सिंह कुमार दो आज घेर करके इस तरह के चिल्लाते हुए लोग फायरिंग कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं। उनको चूंकि पुलिस का संरक्षण ही प्राप्त है, पुलिस की धमक दिखा करके रोकना चाहते हैं, हमारी गाड़ियों को सर्च करते हैं, लोग दस दस गाड़ियों से घूमते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूँ सबा खान। मैं इस वक्त अयोध्या में गोसाईगंज विधानसभा में हूँ और यहाँ के अभय सिंह सपा प्रत्याशी हैं जिन पर अभी हमला हुआ है। मैं यहाँ पर दिखाऊंगी बहुत बड़ी भीड़ में। सर एक मिनट बात करने लीजिए, सर एक मिनट। ये सपा प्रत्याशी है अभय सिंह जिन पर हमला हुआ है और मैं इस वक्त अयोध्या में हूँ। सर क्यों हमला हुआ है, क्या जानकारी? वो लोग चाहते हैं, भैया बात कर रहे हैं, वो लोग चाहते नहीं है कि मैं चुनाव प्रचार करूं। वो जबरदस्ती गुंडागर्दी और दबंगई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पुलिस का उनको संरक्षण प्राप्त है, लगातार वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जेल के अंदर से फोन चल रहा है। जो वर्तमान भाजपा प्रत्याशी उनके पति जेल में बंद हैं, इसी फैजाबाद जेल में बंद हैं, वहाँ से वीडियो कॉल पर और तरीके से मतदाताओं को भी धमका रहे हैं और अपने गुंडों को भी निर्देश दे रहे हैं तुम ऐसा करो वैसा करो। तो लगातार जानबूझकर, और जबकि पुलिस उसे कोई संज्ञान नहीं ले रही, पुलिस उनको संरक्षण दे रही है। किस दौरान हुआ है ये सब, आप प्रचार कर रहे हैं? हाँ, मैं प्रचार करके एक दूसरे क्षेत्र में जा रहा था, वही रास्ते में न्यू कबीरपुर चौराहे के पास घटना हुई है। तो आपके काफिले के साथ कितने लोग थे, कितनी गाड़ियाँ थी, जानकारी डिटेल में? हम तो तीन गाड़ी से जा रहे थे, साथ में पुलिस की गाड़ी थी, पुलिस गाड़ी मेरे साथ ही, मैं तीन गाड़ी जा रहा था। हाँ, हमला हुआ है आप किस तरफ से, पहले हमला हुआ है किस तरफ से? अरे उसी तरफ से हमला हुआ, पहले दूसरे क्या बात है। हाँ, उन्होंने ही हमला किया मेरे ऊपर। हाँ, छोटे वगैरह भी आई है किसी? अरे हाँ, दो तीन लोग चोटिल हैं, वहाँ थाने में हैं वो। मैम हाँ, उनका मेडिकल हो रहा है। अभय सिंह है जो कि सपा प्रत्याशी है, प्रचार के दौरान इन पर हमला हुआ है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, आप देख सकते हैं कि अभय सिंह के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद है। और मैंने बहुत कम समय होने की वजह से मैंने यहाँ पर बहुत कम बात हुई है हमारी अभय सिंह के, कि हमला कब हुआ है और मतलब पूरी जानकारी दीजिए। हम अपनी मीटिंग खत्म करके उनियार गांव से जाना बाजार जा रहे थे। माया बाजार से होते हम न्यू कबीरपुर चौराहे के पास पहुंचे तो आगे हमारी गाड़ी के सामने जो एस्कॉर्ट गाड़ी चल रही थी उसके निकलते और जो गाड़ी थी उसके पीछे सामने गाड़ी लगा दी गई, गाड़ी निकल ना पाए। एस्कॉर्ट वाले फिर उतर कर के आए, हमारा गनर उतर के गया, उसने गाड़ी करके पास कराया। जब हमारी गाड़ी निकलने लगी तो हमने देखा कि पिस्टल लिए विकास सिंह जो इन प्रताप तिवारी खब्बू का चेला है वो खड़ा है वहाँ पे। तो हमारी गाड़ी धीमे धीमे आगे बढ़ गई, तब से गोली की आवाज चली सुनने लगे और पत्थर चला। तो हमारा गन्नर आगे गाड़ी में बैठा हुआ दौड़ के उतरा, पहुंचा तो उसने अपनी आंखों से देखा कि हवाई फायर हो रहे हैं हमारी, और कह रहे हैं बच्चों भागने न पाए अभय सिंह कुमार दो आज घेर करके इस तरह के चिल्लाते हुए लोग फायरिंग कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं। ये जो खब्बू सिंह है, ये खब्बू तिवारी है, ये अभी जेल में है, ये अभी जेल में है, लेकिन जेल अधीक्षक शशिकांत मिश्रा और हमको लगता है जिला प्रशासन का भी संरक्षण है। लगातार सुबह से लेकर रात 12 बजे तक मुलाकात होती है, जबकि गवर्नमेंट का जियो है कि इस समय कोविड प्रोटोकॉल तहत मुलाकात बंद कर दिया गया है, उसका सुबह से लेकर रात मोबाइल मुलाकात होती है, लगातार मोबाइल चल रहा है, मतदाताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और जेल के अंदर से वही सब हमला करा रहे हैं, वही अपराध करा रहे हैं। किस तरह से फायरिंग हुई है, आपने कुछ देखा, कुछ उसके बारे में भी बताइए? हाथ में पिस्टल लिए देखा लेकिन फायरिंग होते नहीं देखा। हाँ, गोलियां चली हैं? हाँ, गोलियां चली, आवाज सुना। पत्थरबाजी भी हुई है? हाँ, ये भी। तो उस तरफ से आपकी तरफ से काफिला कितना था और उस तरफ से काफिला कितना था? हम तो तीन गाड़ी से थे बस। हाँ, तो वो अचानक आ गए सामने से? हाँ, वो लोग अचानक आ गए सामने से। अब उनको चूंकि पुलिस का संरक्षण ही प्राप्त है, सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार से मिले हुए हैं, सरकारी तंत्र उनकी मदद कर रहा है हर तरीके से। तो सूचना आपकी तरफ से दी गई थी प्रशासन को? सूचना हमने एसओ महाराजन को तुरंत दे दिया था, जैसे घटना घटी एसओ महाराजन ने तुरंत फोन किया है और बताया है। तो उधर से एक्शन कैसे लिया गया? किधर से? प्रशासन की तरफ से। अब हमारी गाड़ी दूसरे वे में थी, उन लोगों गाड़ी महाराजगंज थाने की तरफ थी, वो लोग यहाँ घटना घटित किए और पहुंच गए महाराजगंज थाने। वहाँ चूंकि जाम टाइप माहौल था, मैं आगे आया, वहाँ मैं यहाँ से आगे गाड़ी घुमा कर मैं भी वापस आया थाने पे। लेकिन उसके थाने पहले पहुंचने के पहले मैंने एसओ महाराजगंज को फोन कर दिया था। अच्छा, मैं घटना स्थल पर थी तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि जिन्होंने फायरिंग की है उनका नाम बता सकते हैं?
पिस्टल मैंने विकास सिंह के हाथ में देखा था। तो विकास सिंह है तो उनको प्रशासन ने पुलिस स्टेशन में बिठा रखा था और जिन पर फायरिंग हुई है वो रोड पर जनता के बीच में खड़े थे, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि प्रशासन जब वहाँ पर मौजूद थी तो आपको हिरासत में लेना, आपको सेफ्टी में लेना चाहिए। कहाँ पे मौजूद? पुलिस स्टेशन पर। हाँ, आप पुलिस स्टेशन के बाहर थे ना? हम तो निकल के आ रहे थे घर। हाँ, मैं निकल घर आ रहा हूँ, घर आ गया। तो प्रशासन की तरफ से आपको सेफ्टी में नहीं लिया गया? जो जिन्होंने आप पर गोली चलाई, जिन्होंने वार किया, उनको गाड़ी लगा घर तक पहुँचाया है। चौकी इंचार्ज एसओ महाराजगंज से हमको गाड़ी लगा घर तक पहुँचाए हैं। हाँ, तो आपको वहाँ से पूरी सिक्योरिटी दी जा रही है प्रशासन से? अभी नहीं, अभी सिक्योरिटी लगा कर घर तक पहुँचाए हैं। अभी घर तक पहुँचाया? हाँ, वैसे गनर हमारे पास एक हाई कोर्ट के आदेश से है। सरकारी गनर एक हमारे पास है, वो माननीय हाई कोर्ट के आदेश से है। तो ये सब हुआ क्यों है? मतलब आप कुछ उसके बारे में भी बताएं कि क्या हुआ? वो नहीं चाहते कि हम लोग प्रचार करें, क्षेत्र में जाएं, गांव को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, दलितों को, पिछड़ों को, उनके अधिकारों के बारे में बताएं कि उनके अधिकारों का हनन कैसे हो रहा है। वो चाहते हो वो आतंक पैदा करके, डरा के, धमका के, पुलिस की धमक दिखा करके रोकना चाहते हैं। हमारी गाड़ियों को सर्च करते हैं, लोग दस दस गाड़ियों से घूमते हैं, हम लोग एक गाड़ी दो गाड़ी से नहीं चल पाते हैं, हमारी दो गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, लावारिश दिखा कर सीज कर दी गई हैं। तो व्यवस्थित कर रहे हैं पुलिस वाले। तो ये अभय सिंह हैं जिन पर हमला हुआ है, ये आरोप लगा रहे हैं कि इन पर हमला हुआ है। और यहाँ पर जो आपने देखा है कि ये सपा प्रत्याशी हैं अभय सिंह, और सभी लोग ये बोलते हैं कि भाजपा की बौखलाहट दिखने लगी है क्योंकि वो हार से अब घबराने लगी है। शायद कहीं ना कहीं ये दिखने लगा है कि सत्ता हासिल करने के लिए लोग किस कदर अपनी राजनीति को गरमाने की, सियासत को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है जरूर दीजिए। देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।